लाल किले से पीएम मोदी ने आज क्या कहा है? पहले ये, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज के फैसले, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हम फैसले ले रहे हैं, वो 1000 साल की नींव रखेंगे। देखिए क्या कहा उन्होंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी सरकार का विजन सामने रखा। सीधे प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा, मैं जो यहां घोषणाएं कर रहा हूं आप लोग मुझे उद्घाटन करने का मौका देंगे। लेकिन जैसे उन्होंने ये बात कही, विपक्षी नेताओं की तड़ातड़ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं ये उनके आखिरी लाल किले की प्राचीर से भाषण था, अगली बार नहीं आएंगे वो। खड़गे कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, हमारे जो कानून जिससे देश में स्थिरता आई उनके नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने पर लगे हुए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में जिस तरह से इस देश की 140 करोड़ जनता की सेवा की है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने को अर्निस खटाया है, उसके कारण उनका विश्वास है कि जनता जनादेश उनके पक्ष में देगी। और एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2024 को फिर से लाल किले की प्राचीर से इस राष्ट्र को संबोधित करने का सत्कार्य करेंगे, ये विश्वास है। अब तो लालू प्रसाद यादव तो 2013 में ही नहीं मान रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कब माना था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जो विरोध के लिए विरोध करते हैं उनको विरोध के लिए विरोध करने का अधिकार है, और विरोध के लिए विरोध करेंगे। प्रश्न ये पैदा तो जो नाम के पर नहीं, मुझे बताइए ना, आपने कितने लोगों को जो है पानी के हर घर में नल से जल पहुंचाया था? आज जो है 11.8 करोड़ लोगों के घर में तो क्या नल से जल पहुंचा? विपक्ष के नेताओं की बातों को महत्व नहीं देते क्या? प्रेम शुक्ला जी, बने ना आपके लिए खड़गे एलपीजी गैस कनेक्शन, खड़गे जी या फिर लालू यादव जी, इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है जी? मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, ये महत्व तो जनता को देना, और जनता उनको महत्व नहीं देती है।